का समय आया और एक छोटे से गांव में एक पुराने हवेली का राज छाया हुआ था। वहां रहने वाले लोग कहते थे कि वहां रात्रि को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। रात होती गई और एक युवक नामक रवि ने दोस्तों के साथ हवेली का अन्वेषण करने का निर्णय लिया। वे अंधेरे में घुसे और वहां सुनने को मिले, जाओ मत वरना तुम्हारा यही हाल होगा। रवि और उसके दोस्त नहीं डरे, उन्होंने कहा, हम तुम्हारे खौफनाक खेलों से डरने वाले नहीं हैं। फिर वे हवेली के अंदर आगे बढ़े। धीरे धीरे आवाजें बढ़ने लगी, तुम्हारा अंत करीब है। रवि का दिल तेजी से धड़क रहा था पर वह डरते नहीं थे। एक कमरे में वे एक बड़े पुराने खुले खजाने के सामने खड़े हुए। जब वे खुला, वहां दिखा कि यह एक गुफा है और उसमें एक पुराना पुस्तक थी। रवि ने उस पुस्तक को खोला और पढ़ना शुरू किया। तुम्हें मुझसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए तुम्हें इस किताब का अंत पाना होगा, आवाज से बोला गया। रवि ने पुस्तक का अंत पढ़ा और एक अच्छी भूतपूर्व कहानी से गुजरा। गहरी सोच के बाद उन्होंने समझा कि यह एक उत्कृष्ट रहस्यमय था और हवेली की आवाजें उस पुस्तक की बनावट थी। उसके बाद रवि ने पुस्तक को संग्रहित किया और गांव वालों को इस रहस्यमय कहानी से रूबरू कराने का निर्णय लिया। गांव वालों को रवि की कहानी बहुत पसंद आई और हवेली की रहस्यमय आवाजें अब समझ में आ गईं। रात की गहरी चांदनी में गांव वाले मिलकर रवि की बहादुरी को सराहना करते हुए अपने अपने घरों की ओर चले। पौज अगली सुबह रवि ने गांव वालों को एक सुखद समाप्ति सुनाई। उन्होंने कहा, रहस्यमयी हवेली में चारों ओर का अंधकार नहीं था बल्कि एक उत्कृष्ट रहस्य था जो हमें सीखने को मिला। हमें कभी भी डर का सामना करने से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि हकीकत हमें अच्छा हमेशा मिलता है।